और अनबॉक्सिंग के लिए मैंने लिया है ये वाला औजार। लेकिन 3, 2 एंड 1। वो सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग द रिव्यू लेटर एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज है 18th of February, यानी कि महाशिवरात्रि। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि गाइस। तो अभी का सीन कुछ ऐसा होने वाला है गाइस। मैंने बहुत दिन पहले मैंने मेरे बाइक के लिए स्टेल्थ मिरर विथ इंडिकेटर ऑर्डर दिया था, तो फाइनली आज वो ऑर्डर आने वाला है। और वहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि वहाँ पर अगर आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट डैमेज आया या फिर प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, तो आपको वीडियो बना के दिखाना पड़ेगा विदाउट एनी कट और विदाउट एनी एड एक्स्ट्रा क्लिप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग ही बना लेते हैं। वैसे भी व्लॉग तो मुझे बनाना ही था। अभी डिलीवरी बॉय को आने देते हैं, फिर हम ऑर्डर रिसीव करेंगे, देन देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। सो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग गाइस। फाइनली डिलीवरी बॉय ने कॉल किया, मैं अभी ऑर्डर रिसीव करने जा रहा हूँ बाहर। हियर इज डिलीवरी बॉय। थैंक यू। हियर इज प्रोडक्ट गाइस। इसके अंदर है कुछ सरप्राइज फॉर डेविल। सो गाइस, हियर इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे कुछ पैकेजिंग इस तरह का है, देख सकते हो चलेगा। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर। अनबॉक्सिंग के लिए मैंने लिया है ये वाला औजार, लेकिन शायद से ये कोई काम में नहीं आने वाला है। तो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा है अंदर का चीज। 3, 2 एंड 1। वो भाई। तो गाइस ये रहा वो हमारा चीज। तो फाइनली गाइस ये रहे वो चीज, और ये है स्टिल्स मिरर मेरे डेविल के लिए। तो फाइनली सब कुछ बिल्कुल सही है। बाकी का वीडियो हम बाद में बनाएंगे, ओवरव्यू एंड इसके बारे में कहां से परचेस किया है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे नहाना है। गाइस यार, अभी सीन कुछ ऐसा है। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, पिछला वाला वीडियो, वो 3 दिन पहले का वीडियो है। और आज मैंने बहुत मशक्कत के बाद डेविल को अपने हाथ पे लिया है, क्योंकि भैया मेरा रोज डेविल को लेके जाता है ऑफिस, और डेविल से सारा फ्यूल निकाल के अपने छोटे डेविल पे डाल दिया। आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है गाइस। अभी हम आए हैं थंबनेल शूट करने, और यहाँ पे मेरा दोस्त भी है, और दोस्त का खुशखबरी आने वाला है गाइस 1-2 महीने बाद। स्टे ट्यून। और अभी आज क्या करेंगे गाइस, स्टिल्थ मिरर जो मैंने मंगवाया है वो अभी आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, और देन आपको लुक दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा आप कॉमेंट में भी बताना। और इसी के साथ साथ मैंने ये चीज़ भी ऑर्डर दिया है, मेरा विंगलेट कब पता नहीं कैसे खो गया, यहाँ पे लगा था, कब पता नहीं कैसे गिर गया। तो आज मैंने फिर से ये ऑर्डर किया है, और आज इसे भी इंस्टॉल करेंगे, देन देखेंगे अपने बाइक का लुक कैसा होता है। और अभी फ़िलहाल के लिए थंबनेल वगैरह शूट कर लेते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। मिरर का लुक कुछ ऐसा है, और मिरर लगवाने के बाद कैसा लुक आएगा वो आप लोग कमेंट में बताना, और कैसा आएगा वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। गाइस बाकी सिनेमैटिक्स कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाइक का मिरर ऑलरेडी लग चुका है, और मिरर में जहाँ पे लगवाने गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसीलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया। देख सकते हो डेविल का फाइनल लुक। और गाइस डेविल पे और भी बहुत कुछ करवाना बाकी है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो फिर मैं बाकी का काम जारी रख सकता हूँ। बाकी आज मुझे 2 वीडियो शूट करना है गाइस। एक तो यहाँ पे मिरर इंस्टॉलिंग का वीडियो, वो तो ऑलरेडी शूट हो चुका है, और बाकी एक और व्लॉग आने वाला है गाइस। आज 2-2 शूट होगा, क्योंकि आज डेविल जब मिल ही गया है तो वीडियो क्यों ना 2 शूट कर ले। गाइस इंडिकेटर भी है, जो कि दिन में तो इतना विजिबल नहीं हो पाएगा, वो आपको मैं रात में दिखा दूंगा कि कैसा इसका ब्राइटनेस है, कैसा विजिबिलिटी है। तो गाइस हेयर इज फाइनल लुक रात का। रात को कुछ ऐसा दिखने वाला है ये मिरर इंडिकेटर। और बाकी गाइस बात करें मिरर की, फुल मेटल का बॉडी है, देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे भी। और ये मिरर मैंने लिया है टेक्नोखान स्टोर से, जो कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, वहीं पे वेबसाइट का लिंक मिला एंड मैंने वहीं से ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल ट्रस्टेड है। मैंने पहले भी सोचा था कि यार फ्रॉड ना हो जाए, तो उन सब चीज़ का कोई झमेला नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो आप।
और अगर आपको ये मिरर चाहिए तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना, मैं वहाँ पे आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी इन मिरर का प्राइस मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 2000 रुपीज़। हाइडिंग पोजिशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल होता है गाइस। ये मिरर देखने में छोटे है लेकिन इसका जो व्यू है वो बहुत ही ब्रॉड है। बाकी आपको कैमरे में कैसे समझ आ रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर बिल्कुल दिख रहा है पीछे का बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी देख सकते हो। बाकी गाइस मिरर बहुत ही तगड़े लग रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। और बाकी वीडियो को यही तक एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू इट सून। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, दिस इज रेवेल साइनिंग ऑफ। टिल देन बी सेफ एंड स्टे, हैव अ गुड डे।